Hello everyone, welcome to Academy 24 XM YouTube channel once again. Friends, CCC exam 2020 series के तहत आपका ये आज छठा वीडियो है. कौन सा? छठा वीडियो है, यानी कि 6th नंबर का वीडियो है. अगर आपने अभी तक बाकी के 5 वीडियो यानी कि 1 टू 5 तक नहीं देखे हैं तो जाकर जरूर से देख लें आपकी, जिससे कि आपके जितने भी आगामी एग्जाम हैं आपकी तैयारी अच्छी तरीके से हो सके. मैंने चौथे और पांचवे वीडियो में भी आपसे कुछ स्पेशल मैंने आपको चीज़ें बताई थी, आपको इंस्ट्रक्शन दिए थे. तो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो उनको उस वीडियो को देखें और इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें, उससे आपको बहुत ही फायदा होगा. तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो. और आज का टॉपिक क्या रहेगा वीडियो का? इंटरनेट, वेब एंड वेब ब्राउजर्स और उससे रिलेटेड जितने भी आपकी टर्मिनोलॉजी है, हम सभी के बारे में बात करते हुए चलेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है. अच्छा, वीडियो देखते समय या इस सीरीज को देखते समय आपके मन में कोई डाउट होता है, आप कोई चीज पूछना चाहते हैं या कुछ और ऐड कराना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं. चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन. इसको थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं, नाउ इट्स बेटर. चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है. डॉट नेट डोमेन का प्रयोग कहां होता है? अच्छा, यहां पर ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, टाइपिंग एरर है. यहां पर आपका क्वेश्चन है डॉट नेट डोमेन का प्रयोग कहां होता है. तो डॉट नेट डोमेन का जो आपका प्रयोग है वो प्रयोग इसका यूज होता है इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर तथा सर्विस प्रोवाइडर में. कहां पर? ऑप्शन बी आपका सही होगा. अच्छा, अब आप ये दिमाग में आएगा कि यहां तो ऑप्शन है, बाकी अगर हम एग्जाम में देंगे तो हम कैसे पहचान पाएंगे? मान लीजिए वहां पर डॉट नेट है तो नेट का मतलब पूरा होता है यहां पर एक नेटवर्क से. नेटवर्क को छोटे फॉर्म में लिख दिया जाता है नेट. तो आप समझ जाएंगे यहाँ पर कि इंटरनेट इंस्पेक्टर तथा सर्विस प्रोवाइडर एक नेटवर्क के तहत काम करते हैं. तो आप याद रख लें, जैसे कि शैक्षणिक संस्थानों के लिए आपका कोई होगा अगर डोमेन तो डॉट एडू होगा, ई डी यू. ये एजुकेशन के लिए, अगर ऑर्गेनाइजेशन के लिए बोलेगा तो डॉट ओ आर जी होगा. इस तरीके से जैसे कि आप हमारी वेबसाइट भी विजिट करेंगे तो वहाँ आपको यू आर एल मिलेगा www.careerupdate.co.in, यानी कि डॉट इन मतलब इंडिया के लिए यूज़ किया जा रहा है. तो इस तरीके से आप बस थोड़ा सा ध्यान देंगे तो डोमेन को आसानी से पहचान सकते हैं कि किस ऑर्गेनाइजेशन के लिए या किस देश के लिए ये यूज़ होता है. चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ. दूसरा क्वेश्चन कहता है कौन सा उपकरण मॉड्यूलेशन तथा डीमॉड्यूलेशन की प्रक्रिया को करता है? जी हाँ, ये एक तरह से इसका फुल फॉर्म भी हो सकता है. तो कौन सा है? मॉडेम. इसको हम इंटरनेट के लिए भी यूज़ करते हैं. तो अगर मॉडेम को ऐसे हम लिखते हैं इंग्लिश में MODEM. अब इसका आधा पार्ट मॉड्यूलेशन को डिफाइन करता है और इसका आधा पार्ट आपका डीमॉड्यूलेशन को डिफाइन करता है और आधा पार्ट मॉड्यूलेशन को डिफाइन करता है. तो इस तरीके से दोनों को वर्ड को मिला दिया जाता है और मॉडम एक नया वर्ड बन जाता है. चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. तीसरा क्वेश्चन है एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदलने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं सिग्नल, एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदलने के लिए? तो इसको हम कहते हैं मॉड्यूलेशन, एक तरह का चेंजमेंट, यानी कि ऑप्शन सी आपका सही होगा, एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदलने के लिए. चलिए वीडियो देखते समय कोई मन में सवाल आता है तो आप जरूर से पूछ लीजिए. कौन सा नेटवर्क मेट्रोपॉलिटन एरिया को कवर करता है? एक तरीके से फिर एक बार फुल फॉर्म है तो आप सभी जान रहे होंगे, ऑप्शंस में आपको तुरंत से पता चल गया होगा, ये मैन MAN मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क. अच्छा, लैन और वैन का भी आप जान लीजिए. लैन का होता है लोकल एरिया नेटवर्क और वैन का होता है वाइड एरिया नेटवर्क, यानी कि बहुत बड़े क्षेत्र में. लैन कम क्षेत्र में काम करता है, मैन फिर उससे थोड़े ज़्यादा में, वैन फिर उससे थोड़ा ज़्यादा में, यानी कि सबसे बड़े एरिया में काम करता है वैन. चलिए आगे बढ़ते हैं पांचवें क्वेश्चन की तरफ. आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है क्योंकि मैंने आज काफ़ी लगभग आपके 30 से 35 क्वेश्चंस मैंने कवर किए हैं. बाकी मैं डेली आपका 20 क्वेश्चंस ही लेता था, लेकिन आज का ये टॉपिक काफ़ी कुछ बड़ा है, काफ़ी क्वेश्चंस इससे आते हैं, तो मैंने सोचा कि कुछ ज़्यादा क्वेश्चंस ले लें जिससे आपकी आपको आसानी रहे. अच्छा चलिए देखते हैं पांचवा क्वेश्चन. फाइबर ऑप्टिक्स का क्या लाभ है? जी हाँ, इंटरनेट के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है ये. पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर काम करने वाला ये टेक्नोलॉजी है फाइबर ऑप्टिक्स, यानी कि जितने इसमें स्पीड दी जाती है इंटरनेट की, जितना डेटा की स्पीड दी जाती है वो उतनी ही रहती है, कहीं पर घटती बढ़ती नहीं है, कोई चेंजमेंट नहीं होता. यानी कि आपको जो इंटरनेट की स्पीड है, इंटरनेट चलाने का आनंद है, वो बहुत ही बेहतरीन मिलेगा. तो फाइबर ऑप्टिक्स का लाभ क्या है? कोई हस्तक्षेप ना होना, बिना किसी फाउंडेशन के, बिना किसी रिस्ट्रिक्शंस के आप आसानी से इस सर्विस को यूज़ कर सकते हैं, यानी कि ऑप्शन सी आपका सही होगा. बाकी ये सस्ता नहीं होता है, इसमें कोई ट्विस्टर पेयर से आसान होना नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, कोई हस्तक्षेप के, बिना किसी हस्तक्षेप के चलता है. अच्छा, अब आपके दिमाग में कोई बात आती है कि हमेशा क्या नेटवर्क आपका सेटेलाइट से भी चलता है? नहीं,
आपका नेटवर्क सैटेलाइट्स के माध्यम से नेटवर्क तो आते ही आते हैं, आपका जो नेट है वो समुद्र में नेट के लिए काफ़ी मोटी मोटी बड़ी बड़ी केबलें बिछाई जाती हैं। जी हाँ, अब आप सोचेंगे कि पानी में वो पड़ी रहती हैं तो क्या ख़राब हो सकती है? नहीं, ऐसी टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है उनको बनाने के लिए, तो वो काफ़ी दिनों तक सेफ रहती हैं। और समुद्र में लंबी लंबी केबलें पड़ी रहती हैं, काफ़ी मोटी मोटी केबलें, उनसे भी आपका नेट चलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं छठे क्वेश्चन की तरफ। किसी ईमेल को भेजना किसका एक प्रकार है? आई थिंक ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, आप लोग इसका कमेंट करके बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। मैं आपको नहीं बता रहा हूँ छठे क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा, फटाफट से कमेंट करके बताइए। चलिए सातवां क्वेश्चन लेते हैं। वेबसाइट एड्रेस एक यूनिक नेम है जो वेब पेज पर किसको पहचानने के काम में आता है? तो आपका जो वेबसाइट एड्रेस एक यूनिक नेम है वो किसके पहचानने के लिए काम आता है? वेबसाइट पहचानने के काम आता है। जी हाँ, हर वेबसाइट का एक एड्रेस एक यूनिक नेम होता है। जैसे हमारी वेबसाइट है www.careerupdate.co.in, अगर आप विजिट करना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऐसे ही कोई भी वेबसाइट हो, जैसे www.facebook.com, www.instagram.com, www.google.com या फिर जो भी है, उसका एक अलग यूनिक नेम होता है, तो वो उसको वेबसाइट को पहचानने के काम में आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं आठवें क्वेश्चन की तरफ। आठवां है यूज़र नेम व उसके बाद डोमेन नेम निम्न में से क्या दर्शाता है? तो क्या दर्शाता है? डोमेन नेम और यूज़र नेम अगर दोनों जगह हैं तो क्या दर्शाएगा? वो आपको दर्शाएगा ईमेल एड्रेस। अच्छा, आपने ईमेल एड्रेस कुछ भी लिखते होंगे, जैसे कि हमारी वेबसाइट का ईमेल एड्रेस क्या है, आप कोई चीज़ डिस्कस करना चाहते हैं तो careerupdate@gmail.com, क्या है, careerupdateblog@gmail.com। तो देखिए यहाँ पर gmail.com आपका डोमेन भी हो गया और करियर अपडेट ब्लॉग आपका यूज़र नेम भी हो गया। इस तरीके से आप दोनों को अंतर पहचान सकते हैं और इस तरीके से आप अपना ऑप्शंस सॉल्व भी कर सकते हैं। चलिए नवा क्वेश्चन लेते हैं। नवा क्वेश्चन है, पर्सनल कंप्यूटर बनाने के लिए एक साथ कनेक्ट किए जा सकते हैं? क्या कनेक्ट किया जा सकता है पर्सनल कंप्यूटर बनाने के लिए? तो नेटवर्क को एक साथ आप कनेक्ट कर लीजिए और क्या आपका एक पर्सनल कंप्यूटर बन जाएगा। एक नेटवर्क से आप सभी कंप्यूटर जोड़ लीजिए और आपका एक पर्सनल कंप्यूटर का एक ग्रुप बन जाएगा, उसमें आप सभी चीजें आसानी से कर सकते हैं। चलिए दसवां क्वेश्चन लेते हैं। किसी डिजिटल नेटवर्क में सबसे महत्वपूर्ण या शक्तिशाली कंप्यूटर कौन सा है आपका? अच्छा, जो आपका दसवां क्या क्वेश्चन है, किसी डिजिटल नेटवर्क में सबसे महत्वपूर्ण या शक्तिशाली कंप्यूटर कौन सा है? तो आपका नेटवर्क सर्वर। कौन सा? नेटवर्क सर्वर। एक सर्वर होता है, एक सर्वर रूम बना दिया जाता है, तो वो ही आपका सबसे महत्वपूर्ण तथा शक्तिशाली कंप्यूटर आपका बन जाता है, उससे रिलेटेड आपके सभी कंप्यूटर चलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं ग्यारहवें क्वेश्चन की तरफ। इंटरनेट पर सामान या वस्तुओं के लेन देन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? यहाँ पर आपको दो ऑप्शन कन्फ्यूज करेंगे, ई सेलिंग बाइक एंड ई कॉमर्स। अच्छा, ई कॉमर्स में हम सभी तरह की चीज़ें ले सकते हैं। ई कॉमर्स में मतलब आपका वाणिज्यिक क्षेत्र से सभी चीज़ें आ जाती हैं, यहाँ की चाहे सेलिंग एंड बाइंग हो या सब कुछ हो। अच्छा, अब अगर क्लियरिफाई करके उसने ऑप्शन में दे दिया है कि ई सेलिंग एंड ई बाई, तो इंटरनेट पर सामान वस्तुओं के लेन देन की प्रक्रिया को हम ई सेलिंग एंड ई बाई बाइंग कहते हैं। इसमें कोई भी ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं, आप आसानी से डिफरेंस करके समझ करके आप आसानी से ऑप्शन को सॉल्व कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं बारहवें क्वेश्चन की तरफ। www का पूरा नाम क्या है? काफ़ी ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन और काफ़ी आसान क्वेश्चन है। क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब। क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही होगा। ऑप्शंस को ध्यान से देख करके करना है आपको, जल्दी जल्दी में ऐसा नहीं कि दिमाग में तो आया करेक्ट ऑप्शन लेकिन टिक कर दिया कोई गलत ऑप्शन, तो आराम से देख के और दिमाग में एक साथ आपको नज़र और दिमाग आपका एक साथ काम करना चाहिए जो आप टिक करने जा रहे हैं और जो आप सॉल्व करने जा रहे हैं। नेक्स्ट है कि इंटरनेट एक्सप्लोरर का निर्माण किसने किया था? तो इंटरनेट एक्सप्लोरर का निर्माण किस कंपनी ने किया? जी हाँ, आपका ये भी एक ब्राउज़र है। आजकल हम लोग क्या है, क्रोम का ज़्यादा यूज़ करने लगे हैं क्योंकि हम लोग सभी के पास स्मार्टफोन्स हैं आपके पास, और स्मार्टफोन्स ज़्यादातर मोस्टली एंड्रॉयड यूज़र हैं, तो एंड्रॉयड यूज़र में आपको आराम से क्रोम देखने को मिल जाए क्योंकि क्रोम एंड्रॉयड या गूगल का ही प्रोडक्ट है। तो यहाँ पर बात हो रही इंटरनेट एक्सप्लोरर का, तो इंटरनेट एक्सप्लोरर का निर्माण किसने किया था? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने, जो आपका विंडोज़ बनाती है, यानी कि आपका जैसे कि विंडोज़ बनाती है, एमएस ऑफिस बनाती है, तो इस तरीके से माइक्रोसॉफ्ट ने इंटरनेट एक्सप्लोरर भी बनाया था। चलिए पढ़ते हैं चौदहवें क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से किस सॉफ्टवेयर की सहायता से यूजर सूचनाओं को प्राप्त करने के लिए इंटरनेट में प्रवेश करता है? यानी कि कौन सा ऐसा सॉफ्टवेयर है कि हमें कोई चीज़ ढूंढनी है, कोई चीज़ हमें निकालनी है और हम इंटरनेट में जा रहे हैं, तो हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी? तो हमें ज़रूरत पड़ने वाली है ब्राउज़र की।
किसकी, ब्राउजर की हमें जरूरत पड़ने वाली है। जैसे कि क्रोम क्या है, हमारा ब्राउजर है। मोजिला फायरफॉक्स क्या है, हमारा ब्राउजर है। इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है, हमारा ब्राउजर है। इस तरीके से हम इससे चीज़ों को आसानी से ढूंढ सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं 15 क्वेश्चन की तरफ। 15 क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, HTTP का पूर्ण रूप क्या है, क्या है HTTP का पूर्ण रूप क्या है, ये आपसे पूछता है। अच्छा, ये जो HTTP का है, ये जो आपको वर्ड दे रखा है, इससे क्या है, आपका हर एक लेटर का, आपका H का, T का, फिर T का और P का, हर लेटर का भी फुल फॉर्म आपसे पूछ लेता है कि HTTP में T का पूरा नाम क्या है, किस और इसका क्या है पूरा नाम भी आपसे कभी कभी पूछ लेता है। तो आपको दोनों पता होना चाहिए, क्या है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो आपको हर एक लेटर का पता होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आपने आधा पता होना चाहिए तो फिर कि ऑप्शन में मिल जाएगा मुझे तो मैं उसको सॉल्व कर लूँगा, ऐसा नहीं। आपको पूरे वर्ड का पता होना चाहिए, हर एक लेटर का पता होना चाहिए, HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। चलिए आगे बढ़ते हैं 16वें क्वेश्चन की तरफ। 16वां है, वेबसाइट का एड्रेस निम्नलिखित में से क्या कहलाता है, जो आप वेबसाइट यूज़ करते हैं उसका एड्रेस क्या कहलाता है। तो उसका एड्रेस कहलाता है URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। इसका फुल फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। जी हाँ, ये भी आपसे पूछ सकता है कि URL फुल फॉर्म क्या होता है। बढ़ते हैं 17वें क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से किस बार के पेज द्वारा, किस बार के द्वारा पेज की वर्तमान स्थिति का पता चलता है, किस बार के द्वारा पेज की वर्तमान स्थिति का पता चलता है। तो कौन सा बार है, स्टेटस बार है, उससे हम किसी भी पेज की स्थिति का पता लगा लेते हैं, यानी कि ऑप्शन सी आपका सही होगा। बढ़ते हैं 18वें क्वेश्चन की तरफ। पहला ग्राफिकल वेब ब्राउजर किसने बनाया था, यानी इसमें ग्राफिक्स का भी यूज़ किया था वेब ब्राउजर बनाने में, तो किसने बनाया था, मार्क एंडरसन ने, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही होगा। बढ़ते हैं 19वें क्वेश्चन की तरफ। किसी पेज या दस्तावेज को किसी अन्य पेज या दस्तावेज से जोड़ना क्या कहलाता है, यानी कि लिंक करना, एक पेज को दूसरे पेज से लिंक करना क्या कहलाता है। तो इसको हम कहते हैं हाइपर लिंक। अच्छा, कभी आपने देखा होगा आप किसी फाइल्स में ऐसे आपका सिंबल बना रहता है, चेन को ऐसे कनेक्ट करके दिखाया रहता है, आपका दो चेन्स को ऐसे, दो जो कड़ियाँ होती हैं आपकी, इनको ऐसे आपस में कनेक्ट करके हुए दिखा रहता है, तो इसको हम हाइपरलिंक का सिंबल भी कहते हैं। तो यही होता है, एक पेज से दूसरे पेज को जोड़ना क्या हाइपरलिंक कहलाता है। 20वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लैन से जुड़े कंप्यूटर क्या कर सकते हैं, मैंने आपको लैन का फुल फॉर्म ऊपर बताया, लोकल एरिया नेटवर्क। तो लैन जुड़े कंप्यूटर क्या कर सकते हैं, ये इंफॉर्मेशन तथा पेरीफेरल इक्विपमेंट शेयर कर सकते हैं, या फिर ये आपस में शेयर इनको कर सकते हैं, जानकारी को भी और पेरीफेरल्स यानी कि जो कंप्यूटर का जो सामान होता है, हार्डवेयर्स होते हैं, उसको भी हम शेयर कर सकते हैं लैन में, ये क्योंकि ये एक छोटा सा नेटवर्क होता है लैन। मैंने ऊपर बताया आपको डिफरेंस, उससे आपको पता चल रहा होगा। 21वां क्या है, अच्छा अब आ जाती है आपकी ऑब्जेक्टिव हो गए 20 क्वेश्चंस, अब आज ले लेते हैं ट्रू एंड फॉल्स। 21 नंबर से आपके ट्रू एंड फॉल्स स्टार्ट हैं, आपको कथन दिए गए, आपको ये देखना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो 21वां क्वेश्चन है, कंप्यूटर नेटवर्क के अंतर्गत कंप्यूटर तथा अन्य सभी पेरिफेरल डिवाइसों को जोड़ा जा सकता है, कैसा संभव है कि कंप्यूटर के नेटवर्क के अंतर्गत कंप्यूटर तथा सभी पेरिफेरल्स को जोड़ा जा सकता है, तभी तो आपका एक कंप्यूटर नेटवर्क बनेगा, ये यानी कि ये कथन बिल्कुल सही है। ऐसा नहीं कि केवल कंप्यूटर को ही जोड़ दिया तो नेटवर्क हो गया, कंप्यूटर को जोड़िए, उससे जरूरी जितना भी सामान है उन सभी को जोड़िए, तब आपका एक नेटवर्क कंप्लीट हो जाएगा, ये कथन आपका सही है। 22वां क्वेश्चन है, राउटर का कार्य इंटरनेट की गति को तीव्र बनाए रखना ही होता है, कैसा होता है, नहीं, और भी इससे काफ़ी काम आपसे किए जाते हैं राउटर से, उसको हमें मेंटेन भी करना रहता है। चलिए 23वां क्वेश्चन है, नेटवर्क ट्रैफिक को कंट्रोल तथा एडजस्ट करने में स्विच का प्रयोग किया जाता है। जी हाँ बिल्कुल, स्विच का भी प्रयोग किया जाता है नेटवर्क के ट्रैफिक को कंट्रोल करने में, कि उसी हिसाब से उसको एडजस्ट करते हैं हम, स्विच के अकॉर्डिंग उसी स्विच को इधर उधर एडजस्ट करते हैं, तो आपका नेटवर्क काफ़ी कंट्रोल हो जाता है, तो ये सही है। चलिए, चैटिंग ऑनलाइन कम्युनिकेशन है, यानी कि ऑनलाइन चैट क्या करते हैं हम लोग, एक ऑनलाइन कम्युनिकेशन का ही तो एक साधन होता है चैटिंग, तो यानी कि ऑप्शन ए आपका सही होगा, ट्रू। अच्छा, मैंने चौथे वीडियो में आपको बताया था कि आप ऑफलाइन तैयारी भी करें, क्योंकि आपके लिए बहुत ज़रूरी है किसी भी टॉपिक को अच्छे से पढ़ना। यहाँ पर आप केवल MCQs देखते हैं और उससे रिलेटेड जानकारियाँ लेते हैं, हालांकि ये भी काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल है, लेकिन आप अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो आप ऑफलाइन भी पढ़ें, आप कैसी भी पढ़ें। मैं नहीं कहता हूँ कि आप, मैंने जो लिंक दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उससे जाएँ उससे बुक खरीदें, नहीं, वो लिंक इसलिए है कि आप जाएँ पब्लिकेशंस को देखें
कि कौन सी पब्लिकेशन की बुक आपके लिए अच्छी है। अच्छा, अगर आपके पास या आपके मित्र के पास आसपास के कहीं से आपको कोई भी बुक मिल जाती है तो आप उसको लें, उसको पढ़ें। हाँ, ये नहीं है कि आपने बुक ले ली और उसमें केवल आप एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, वहाँ पर आपको चैप्टर्स को भी आपको पढ़ना है, सभी टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ना है, एक बार देखना है, समझना है, तब आपको एक्सरसाइजेस कंप्लीट करनी। अच्छा, यहाँ पर मैं जिनके पास अरिहंत पब्लिकेशन की बुक है ट्रिपल सी के लिए, मैं उनके लिए एक बात यहाँ पर ध्यान दें कहना चाहूँगा कि उस बुक को ज़रा ध्यान से पढ़ें, उसके टॉपिक को पहले पढ़ें, बाद में MCQs अटैम्प्ट करें। अदरवाइज़ अगर आप MCQs अटैम्प्ट करेंगे तो उसमें काफ़ी कुछ ऑप्शंस आपके गलत भी हैं, मैंने पर्सनली देखा हुआ है अरिहंत की बुक को, तो मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि आप अगर सीधे डायरेक्ट अगर MCQs सॉल्व करेंगे तो आपको उसमें थोड़ी सी दिक्कत होगी उसमें, क्योंकि कुछ ऑप्शंस आपके उसमें गलत भी दिए, तो इस बात को दिमाग में ही रखें। अगर आप पढ़ते हैं तो पहले टॉपिक को अच्छी तरीके से पढ़ें, तब MCQs को अटेम्प्ट करें। चलिए आगे बढ़ते हैं 25वें क्वेश्चन की तरफ। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का लघु रूप है ISP है, क्या ये सही है? यानी कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का लघु रूप, छोटा रूप क्या ISP होता है? जी हाँ, बिल्कुल होता है, ISP का फुल फॉर्म ही होता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। 26वां क्वेश्चन, इंटरनेट नेटवर्कों का एक नेटवर्क है। इंटरनेट जो आपका होता है वो क्या होता है? वो नेटवर्कों का ही एक नेटवर्क होता है। जी हाँ, बिल्कुल ये आपका कथन सत्य है, यानी कि ऑप्शन ए आपका सही होगा। बढ़ते हैं 27वें क्वेश्चन की तरफ। वेब पर कंटेंट को खोजने के लिए किए गए कार्य को सर्फिंग कहते हैं। जी हाँ, जब आप कोई चीज़ नेट पर या मान लीजिए आप गूगल पर सर्च कर रहे हैं तो उसको क्या कहते हैं? उसको हम सर्फिंग ही कहते हैं। ये बिल्कुल कथन आपका सत्य है, वेब पर किसी चीज़ को खोजना सर्फिंग कहलाती है। आगे बढ़ते हैं। मोजिला फायरफॉक्स को मोबाइल डिवाइस पर इंटरनेट उपयोग करने के लिए नहीं बनाया गया है, फॉल्स है। अच्छा, हम ये मोजिला फायरफॉक्स मोबाइल के लिए भी आता है लेकिन हम लोग उसको ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि हम लोग यूज़ थ्रो हो चुके हैं, बिल्कुल से एकदम आदि हो चुके हैं क्रोम के लिए। कोई भी चीज़ सर्च करनी हो क्रोम या फिर ज़्यादा से ज़्यादा UC ब्राउज़र, ओपेरा, इस तरीके से हम अपने मोबाइल में यूज़ करते हैं, मोबाइल बेल्ट डिवाइसेस में। बाकी आप कंप्यूटर में जाएं तो आपको क्रोम मिल जाएगा, मोजिला फायरफॉक्स मिल जाएगा, इंटरनेट एक्सप्लोरर मिल जाएगा, इस तरीके से सफारी भी आपको मिल जाएगा। सफारी एप्पल का प्रोडक्ट है, एप्पल का बनाया हुआ वेब ब्राउज़र है। चलिए आगे बढ़ते हैं 29वें क्वेश्चन की तरफ। एड्रेस बार में किसी वेबसाइट का URL अंकित किया जाता है। तो मैंने आपको ऊपर बताया कि URL क्या होता है, उसके बारे में जानकारी दी, तो जी हाँ, एड्रेस बार में किसी वेबसाइट का URL ही अंकित किया जाता है, यानी कि ऑप्शन ये कथन आपका सत्य है। अच्छा, URL का फुल फॉर्म भी मैंने आपको ऊपर बताया कि क्या होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स और लोकेटर, तो याद रखें, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं 30वें क्वेश्चन की तरफ। 30वां क्वेश्चन है, टेम्परेरी इंटरनेट फाइल्स वेब ब्राउजर से सर्व करते समय स्वतः ही बनती रहती हैं। चलिए मान लीजिए आपने इंटरनेट पर कोई फाइल्स सर्च की या वेब ब्राउजर में आपने फाइल सर्च की, तो क्या है वो सर्फिंग करते समय वो क्या है, स्वतः ही बनती रहती, वो फाइल्स अपने आप बनती रहती हैं। जैसे कि मान लीजिए आपका कैश डाटा है वो आप स्टोर होता रहता है आपके वेब ब्राउज़र में या आपके मोबाइल में। मान लीजिए आप कोई चीज़ पहले आपने मान लीजिए सर्च किया कि नियरेस्ट होटल, आपने नियरेस्ट होटल सर्च किया, अब जब दोबारा भी आप नियरेस्ट होटल सर्च करेंगे तो वो सर्च रैंकिंग में सबसे ऊपर आएगा, आपके टॉप मोस्ट में आएगा। तो वही है आपका कि वो डाटा आपका बना रहता है जो आप सर्च करते हैं, तो वो हम उसे हम कैश मेमोरी भी कहते हैं। तो ये कथन आपका बिल्कुल से सत्य है। 31वां क्वेश्चन क्या कहता है, किसी वेब पेज को Ctrl+P से प्रिंट कर सकते हैं। ऐसा क्या होता है, क्या सच में क्या केवल हम किसी प्रिंटआउट को लेने के लिए ही Ctrl+P करते हैं, किसी डॉक्यूमेंट को निकालने के लिए? वेब पेज को अगर Ctrl+P करेंगे तो क्या प्रिंट हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। जी हाँ, किसी पेज का आप स्पेसिफिक पेज का प्रिंटआउट लेना चाहते हैं तो बस आप कीबोर्ड से Ctrl+P प्रेस कीजिए और उसका वेब पेज का प्रिंटआउट आपके सामने निकल के आ जाएगा। तो ये कथन आपका सत्य है। 32वां क्वेश्चन क्या कहता है, बेसिक एक वेब भाषा है। क्या ऐसा है? नहीं, बेसिक एक वेब भाषा नहीं है, इसको कोडिंग के लिए यूज़ किया जाता है एक अलग तरीके से। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट आपके 32 क्वेश्चंस। आपको कैसा लगे हमें ज़रूर से बताएं। आपके मन में कोई डाउट हो रहा है, कोई सवाल उठ रहा है, आप कोई चीज़ और बताना चाहते हैं तो आप हमें बता सकते हैं। और अगर आपने बाकी के 5 वीडियो नहीं देखें तो ज़रूर से जाकर देखें, मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूं। और मैं आपको ऑफलाइन स्टडी के लिए भी रिकमेंड करता हूं, ऑनलाइन स्टडी के साथ साथ वो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है।
तो आपको वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताएं। पसंद आया तो लाइक और शेयर करें, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर करें, हमें सोशल मीडिया पर भी आप फॉलो कर सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज है, हमारा इंस्टाग्राम पेज है, हमारी वेबसाइट है, हमारा यूट्यूब चैनल तो आप देख ही रहे हैं। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके आपको जरूर से जाना है। तो थैंक फॉर वॉचिंग, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।